FICCI के चेयरमैन नेविटिया जी पटेल जी और मित्रों, हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इस सेक्टर में लगातार गति से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद आज तक जो मेरे पास अभी एग्जैक्ट फिगर मिली है, करीब 4.5 लाख करोड़ के काम हमारे शिपिंग और रोड सेक्टर में हमने अवार्ड किए हैं। उसमें से करीब 3,60,000 करोड़ के काम रोड सेक्टर में है और करीब 90,000 से 1 लाख करोड़ के काम शिपिंग के सेक्टर में हुए हैं। इसमें पोर्ट मेकनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और काफ़ी हमने लैंडलॉर्ड पोर्ट के कंसेप्ट में काफ़ी कुछ काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोड कंस्ट्रक्शन जब हमने हमारी सरकार आई तब करीब 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट्स टोल प्रोजेक्ट थे और ये प्रोजेक्ट में लगभग बैंकों का एनपीए कुछ हुआ था, कुछ होने के कगार पर था। और हमारी सरकार ने आने के बाद निर्णय करके, ये मैं 4.5 लाख करोड़ से अलग इस फिगर की बात कर रहा हूँ, इसमें से आज 95% प्रोजेक्ट फिर से दौड़ने लगे हैं और बैंकों को हमने एनपीए से बचाया है। तो आज स्थिति ये है कि ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी जोरों में शुरू है। हमने एक नया मॉडल इस समय शुरू किया था क्योंकि पीपीपी और बीओटी में जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारे जो मेन इन्वेस्टर थे, कंपनीज थी, उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। बैंकों में भी अकाउंट काफ़ी स्ट्रेस के अंदर थे और इसलिए हमने एक हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल लॉन्च किया है। और वो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में 40% हम ग्रांटी नेट देते हैं, 80% लैंड एक्विजिशन हम पूरा करते हैं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस हमारी जिम्मेदारी होती है और बिल्कुल रेडीली तैयार होकर प्रोजेक्ट मिलता है और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस 3% प्रॉफिट देकर एन्यूटी बेसिस पर उसको रिटर्न वापस करते हैं, टोल भी हम ही कलेक्ट करते हैं और पूरी गारंटी बैंक को देते हैं। एक बात सच है कि हमारे सेक्टर में हमारे डिपार्टमेंट ने बैंकों को बहुत बचाया और इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां भी बची और सेक्टर भी बचा है। पर उसके बावजूद भी बैंकों में जितने गति से ये सब अभी आगे इस अच्छे स्थिति में काम होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस काफ़ी क्रिएट हुआ है और ज़्यादा क्रिएट करने की आवश्यकता है। और बैंकों को भी इस प्रकार का बहुत ही अच्छा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, ये मिल सकता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने 12 एक्सप्रेस हाईवे बनाने का निर्णय किया है। उसमें हमारे देश में एक्सप्रेस हाईवे भारत सरकार ने अभी तक नहीं बनाए थे। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था वो पहला एक्सप्रेस हाईवे, मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तब मुझे उसको बनाने का सौभाग्य मिला, पर वो स्टेट गवर्नमेंट का था। अभी हम लोग जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं उसमें इसी साल हम मार्च तक कोशिश कर रहे हैं कि बड़ौदा से मुंबई ये 44,000 करोड़ का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे के काम की हम शुभारंभ करेंगे। इसके साथ दिल्ली से जयपुर हमने नई अलाइनमेंट पक्की की है और वो भी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, इसका भी काम अगले साल में शुरू करने का हमारा प्रयास है। और पूरी तरह से दिल्ली से कटरा और वहाँ से श्रीनगर, ये भी नया एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं जो दिल्ली से जींद जाएगा और जींद से लुधियाना के बाहर से फिर अमृतसर के बाहर से डायरेक्ट कटरा जाएगा, जिसको आज कटरा जाने के लिए 17-18 घंटे लगते हैं, वो 6.5-6.5 घंटे में वहाँ तक जाएंगे 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसका भी हमने
DPR बनाने की शुरुआत की, अलाइनमेंट पक्की हुई है। इसके अलावा चेन्नई से हैदराबाद, बाद में विजय अपना रामटेक जो अमरावती जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश का, अमरावती से हैदराबाद और अमरावती से बेंगलोर, ये भी उसमें है। तो एक्सप्रेस हाईवे नेटवर्क की हम शुरुआत कर रहे हैं। और आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम का और पोल्यूशन का प्रॉब्लम का कारण यह है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो लोग एक दूसरे राज्यों में जाते हो दिल्ली के बीच में से जाते हैं। और इसलिए बहुत दिनों से दिल्ली का एक रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव था, ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास, और मुकरदमा चौक से एक हरियाणा का एक 8 लेन का भी रोड हमने काम शुरू किया है। ये 15,000 करोड़ के काम है और प्रधानमंत्री ने जब इसका भूमि पूजन किया था तब उसका पीरियड 2.5 साल का था। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि ये आप काम आप 400 दिन में पूरा करिए। ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, ग्रीन है। इसके हमने ब्यूटिफिकेशन, प्लांटेशन के लिए स्पेशल प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कठिन होगा, अपने कहा ऐसा तो नहीं, आप तो हर समय हाई कहते हो, अब नहीं क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा कि कोशिश करेंगे। और मैं अभी ही एक 10 दिन पहले आगरा गया था तो मैं पूरा ऊपर से देख कर, मुझे हमारे अधिकारी ने बताया कि हम 400 दिन के अंदर ये दोनों 15,000 करोड़ के रोड पूरे कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट होने के बाद कम से कम दिल्ली वालों को 50% रिलीफ मिलेगा, तो एक और पोल्यूशन भी कम होगा। दूसरा, रोड सेक्टर में हम लोग रेलवे में करीब 450 आरओबी बना रहे हैं, उसमें प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो उसके भी काम हमने कुछ शुरू किए, कुछ शुरू कर रहे हैं। और 1300 स्पॉट्स हमने ऐसे चुने जिसके लिए मैं फिक्की से सहयोग मांगूंगा। इसमें 70 का हमने टेंडर निकाला है कि रोड साइड एमिनिटीज़ में जहाँ जगह हम देंगे, हेलीपैड होगा, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, मोटल्स होंगे, दो प्रकार के कुछ ट्रक क्लब करके रूप में अलग किया है, ढाबा, और कुछ कार वालों के लिए है, उसमें छोटे दुकानें होंगी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट होगा, फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे, मेडिकल के लिए कुछ सुविधाएं भी होगी, एंटरटेनमेंट की बातें होंगी। और ऐसी रोड साइड एमिनिटीज़ के 1300 स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और इसमें हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसमें बुलाना चाहते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है पोल्यूशन के, ट्रैफिक जाम की, इसका कारण हमारे शहर के अंदर में गोडाउन से प्री कूलिंग प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज है, मार्केट से बड़े बड़े होलसेल मार्केट से। तो मैंने दिल्ली के सरकार को और मुख्यमंत्री जी को ये प्रस्ताव दिया है। वैसे देश भर में हम लोग करीब 36 रिंग रोड बना रहे हैं, वो बड़े बड़े सिटियों में। और उसमें हम चाहते हैं कि ये जो गोडाउंस हैं, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज गोडाउन जो शहर के अंदर में है, थिक पॉपुलेशन है वहाँ है, इनको हम शहर के बाहर ले जाएं। और इसलिए लॉजिस्टिक में ये जगह अगर कोई लेके आता है तो हमने एक फार्मूला जो नई मुंबई एयरपोर्ट के लिए था कि 40% डेवलप लैंड हमारी होगी, 40% उनकी होगी, 20% हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, हम रोड से एक्सेस देंगे, सभी परमिशन देंगे, और दोनों मिलाकर उसको गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। तो इसके लिए फिक्की के साथ अप्रैल में हम एक लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो ये बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है और अच्छे हैं। और इसको जोड़कर हम लोग 111 नदियों को हमने इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने का निर्णय किया है। और जैसे हमारे आप बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वैसे हम रिवर पोर्ट, वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गंगा में वाराणसी से हल्दिया तक 1680 किलोमीटर हम 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं, उसमें 3 मल्टीमोडल हब बना रहे हैं, वाराणसी, हल्दिया एंड साहिबगंज, और 5 रोरो सर्विसेज हैं, फराक्का का वाटर गेट है, और हमने सब काम अलॉट कर दिए, काम शुरू है। अभी मारुति की गाड़ियाँ हमने वाराणसी से बार्ज में डालकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में भेजी, तो एक गाड़ी के पीछे 3,000 रुपये कीमत कम हो सकती है।
और इसलिए आप सबको मेरा अनुरोध है कि आपका जो माल मटेरियल आप भेजते हैं वो पानी पर कैसे आ सकता है, इसके लिए आप जरूर सोचिए। इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये जो इसी गंगा पर हम 40 पोर्ट्स बना रहे, वाटर पोर्ट्स, तो ये भी एक नए ग्रोथ इंजन बनने वाले हैं। केवल हिसाब लगाइए कि हल्दिया में आया हुआ एडिबल ऑयल, अगर वो ये 40 पोर्ट में से किसी जगह पर अगर 5000 टन के बार्ज में आता है और वहाँ अगर रिफाइनरी चलती है तो तेल 2 रुपये किलो सस्ता होगा। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, ऑटोमोबाइल है, इसके लिए हमारे पूरे 111 रिवर्स में हम 2000 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी यही कर रहे हैं कि हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को कैसे इनकरेज करें। अभी हमने मुंबई में 800 करोड़ का पैसेंजर टर्मिनल बना रहे हैं पीपीटी में। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि ये पहला साल है कि 60 क्रूज मुंबई में आने का हमने एग्रीमेंट कर लिया है। और ये मेरे भी इमेजिनेशन के बाहर था कि ये जो हॉल है इससे 10 गुना बड़ा हॉल शिप में था और स्टेज इससे दुगना था और इससे आधुनिक था, पूरा इलेक्ट्रॉनिक। वहाँ हॉल्स थे, 28 रेस्टोरेंट्स थे, जर्मनी से नया बना हुआ क्रूज आया था, तो इतने लोग, 4000 लोग उसमें, 4000 रूम्स थी, खेलने के ग्राउंड्स थे, जब एक नई मॉडर्न सिटी थी। अब ऐसे 60 क्रूज का एग्रीमेंट हमने किया और 40 का होगा तो 100 क्रूज मुंबई आएंगे। अब हमारे मेजर पोर्ट पर हम पैसेंजर टर्मिनल बना रहे 12 मेजर पोर्ट पर। और धीरे धीरे जो 200 माइनर और प्राइवेट पोर्ट्स हैं उनको भी हम कह रहे कि आपके यहाँ भी पैसेंजर टर्मिनल बनाइए। तो ये पूरा नया वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया एडवांटेज है, जिसमें हमारा 7500 किलोमीटर का सी फ्रंट है और 111 नदियों को हमने जो इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट किया है, ये 20000 किलोमीटर तक की लेंथ है। तो जैसे नेशनल हाईवे हमारा 96000 किलोमीटर था और हमने उसको अब 2 लाख किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं और अभी तक मैं 1,70,000 किलोमीटर तक घोषित कर चुका हूँ। पहले हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर रोड लेंथ में नेशनल हाईवे केवल 2% था और देश का 40% ट्रैफिक 2% रोड पर था। अभी हम इसको दुगना करेंगे तो ये अगर 4% रोड होगा तो देश का 80% ट्रैफिक इस 4% रोड पर आएगा। और हमने पूरे नियम बदल दिए हैं। पहले 30,000 पीसीएस तक जाए तो भी फोर लेन नहीं होता था, मैंने कहा 10,000 पीसीएस के ऊपर गया फोर लेन करो, 20,000 पीसीएस के ऊपर गया सिक्स लेन करो। टोटल नॉर्म्स बदल दिए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा और सस्ता हो और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा हो। और इसलिए वाटर पोर्ट और रोड कनेक्टिविटी, इसके बीच में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब एक नया कंसेप्ट हमने ढूंढा है और वो ये है कि वर्ल्ड में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट एक जगह होते हैं, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। और इसलिए हमने कंसल्टेंट को अपॉइंट करके नागपुर और वाराणसी का स्टडी किया है। और हम अब ये कर रहे हैं कि वाटरवेज को भी, एयरपोर्ट को, रोड को, रेलवे को, इनको सबको इंटीग्रेट करके ऐसे कोई नए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए हम स्टेशंस बना सकते हैं क्या, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और मुझे नागपुर और वाराणसी का रिपोर्ट भी हमारे पास आ गया, हमारे डिपार्टमेंट से हम इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को हमने ऑफर किया है कि आपके पास अगर लैंड है तो आप अच्छा बस पोर्ट बनाइए, जैसे सूरत में, बड़ौदा और अहमदाबाद में 3-स्टार बस स्टेशंस बने हैं एयर कंडीशन, तो आप बनाइए, हम लोग आपको 2.5% उसका डिज़ाइन कंसल्टेंसी हम देंगे। और अभी हमने ये भी तय किया कि अब आप कराना चाहते हम BOT पे पैसा लगा के करेंगे ताकि हमारे देश के पासपोर्ट अच्छे हो, ये इकोनॉमिकली वायबल है, इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है। आप बहुत चर्चा करते हो पैसा कम है क्या है, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो फॉरेन इन्वेस्टर को कहता हूँ, बैंकर को कहता हूँ, तुम पैसा देंगे तो तुमका स्वागत है, नहीं देना चाहते तो फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे पास पैसा बहुत है। और मैं आपको मेरा फाइनेंस भी बाद में बताऊंगा, तो पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए ये जो इनलैंड वाटरवेज है ये नया गेम चेंजर है।
और इसमें अभी 5 प्रोजेक्ट का हमने काम शुरू किया है। इसमें हमने एक रेलवे कॉरपोरेशन हमारी तैयार की है, उसका मुंबई में ऑफिस खुला है और अभी करीब 1,00,000 करोड़ के रेलवे मार्ग हम हमारे डिपार्टमेंट की ओर से कर रहे हैं। तालचेर से पारादीप, तालचेर में कोयला है और वहाँ से जो कोयला है वो रेलवे से और वाटरवे से पारादीप आएगा, और पारादीप से जहाज़ से पूरा वेस्टर्न कोस्ट पर गुजरात और महाराष्ट्र में आएगा। तो पावर की कॉस्ट 65 से 75 पैसे पर यूनिट कम होती होगी, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, पोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक प्रोजेक्ट जो है तालचेर से पारादीप, एक प्रोजेक्ट में देश का हर साल 10,000 करोड़ बचेगा, यानी आप समझ लीजिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और इसलिए वाटरवेज और 7,500 किलोमीटर का सी फ्रंट, 12 मेजर पोर्ट, 200 माइनर पोर्ट, और उसके अलावा अभी हम लोग जैसे क्रूज टूरिज्म शुरू कर रहे हैं, एक एक क्रूज में 4,000 लोग आते हैं। अभी मुंबई में अगर एक क्रूज आएंगे तो होटल के बिजनेस में इतना बढ़ावा मिलेगा, 4-4, 5-5 दिन वहाँ रहते हैं। मैं BPT का डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैंने कंसर्न हो कि 10,000 रूम को होटल बनाओ, और बहुत अच्छा प्लान हमने किया। जैसे सिंगापुर में वो 3 टावर है या दुबई में बुर्ज खलीफा है, उससे भी अच्छा कुछ हम करने का सोच रहे हैं, और इसलिए बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म में। हमने उसमें कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, सी प्लेन लगातार इनकरेज करे, कुछ सफलता मिली कुछ नहीं मिली है। मई में मुझे अब रशियन कंपनी ने कहा कि हम लोग ये हवाई जहाज पानी पे उतरने वाले यहाँ आपको ट्रायल देंगे, तो इसमें कैटरमैरन बहुत अच्छे हैं, 48 नॉटिकल माइल स्पीड से जा सकते हैं, और अपने हवाई जहाज में जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास है वैसे उसमें अरेंजमेंट्स है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर जो है लॉजिस्टिक का है, पोर्ट के बाजू में रोड साइड एमिनिटीज है, ये बस पोर्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए बना रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत इकोनॉमिक वायबिलिटी है, और जहां हम चाहते हैं कि आपका आप इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पोर्ट को पिछले साल करीब 6,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ है, हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, और ये अन्यथा मत लीजिए पर प्राइवेट सेक्टर से ये बैठे हैं, इनके पोर्ट के इफिशियंसी से हमारी इफिशियंसी 2.6% ज़्यादा बढ़ी है, और हमने 6,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया, और इस साल हम 7,000 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे। वो प्रॉफिट हम फिर से हमारे उसी सेक्टर में हम लोग डाल रहे हैं, और हमारे पोर्ट में करीब हमको 50,000 करोड़ हमारे साल का डॉलर में टर्नओवर है, और अभी हमने स्टेट बैंक कैपिटल और सिंगापुर की बैंक ने हमको 3,000 करोड़ रुपए 2.25% से दिए हैं। हम लोग JNPT में एक रोड बना रहे हैं डॉलर में, ना हमको हेजिंग करने की ज़रूरत है और कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हम डॉलर में वापस कर सकते हैं। तो अब हम लोग 50,000 करोड़, वो 2.25 बोल रहे हैं, मैं 2 बोल रहा हूँ, हम टेंडर निकाल के, वो भी हम टेंडर के बिना कोई काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर, नो करप्शन, नो रेड टेपिज्म। तो पूरा अभी वो फिर से बुला रहे कि 2% वाला कोई मिलता है क्या। तो 50,000 करोड़ हमको 2% से हमारे पास है, जो हम लोग पोर्ट में और इनलैंड वाटर भी इधर खर्चा कर सकते हैं। और जो सागरमाला करके जो प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 12,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 4.5 लाख करोड़ जो है वो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेल कनेक्टिविटी के लिए है, उसमें से 1,00,000 रुपये पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन के लिए है, और करीब 8,00,000 करोड़ ऐसे हैं कि हम लोग पोर्ट के बाजू में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊंगा, एक हमारी बहुत अच्छी कल्पना है जो मैं उसके लिए कठिन है, और मैं सब बातें बताता तो लोगों को लगता है सपना है, पर मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि मेरे को हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मेरा रिकॉर्ड कर ले वो पूछ नहीं सकता कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, मैं बोलूँगा तो होगा ही। तो इसलिए अभी हम लोग ये सेक्टर में जो लगातार डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें पोर्ट्स में हम लोग अभी
एक्सपोर्ट मैकेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक का है, ऑटोमोबाइल है, उसमें केमिकल क्लस्टर्स है, कंज्यूमर के है, नई मुंबई में स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने उसमें खोला है और एक कंसेप्ट पर अभी हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो 15 साल के ऊपर के जो कमर्शियल व्हीकल है इसको हम स्क्रैप कर रहे हैं, स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं। और हमने ये प्रपोज किया, हमको अभी फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन हुआ है पर उनका अप्रूवल और पीएमओ का नहीं मिला है। प्रिंसिपली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कुछ जीएसटी के कारण कंसेशन कैसे देना, और फिर पीएमओ का क्लियरेंस करने के बाद हम जाएंगे। पर ये आप भी इस पर कुछ सुझाव होगे तो दीजिए कि पुरानी गाड़ी की जो कॉस्ट होगी, समझो ट्रक की, तो 1.5 लाख रुपये है और करीब 1 लाख रुपये के कंसेशन स्टेट गवर्नमेंट देंगी उनके टैक्सेस में और 1.5 लाख भारत सरकार देंगी, तो 15-16 लाख की ट्रक होगी तो उसको 5 लाख रुपये का सर्टिफिकेट होगा जिससे वो 10 लाख में ट्रक मिलेगा। इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कुछ कंसेशन देगा क्योंकि हमारे स्कीम के कारण 22% ऑटोमोबाइल ग्रोथ होगी। और ये जो भंगार आएगा पूरा पुराने गाड़ियों का, उसके रिसाइकलिंग के यूनिट हमने पोर्ट में बनाने का तय किया है और कांडला में, गोवा में, अनेक जगह पर हम 20 मीटर का ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब मुंबई में भी 18 मीटर का करें, JNPT 16.5 से 18 मीटर का, ताकि 2 लाख टन का शिप आए। और 2 लाख टन का शिप जब 2 लाख टन का गाड़ी का भंगार लेके आएगा तो कॉस्ट पर टन कम से कम $20 से $25 सस्ती होगी। और ये पूरा आने के बाद उसका प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सब रिसाइकलिंग, स्टील रिसाइकलिंग करेंगे और उसके पार्ट हम बनाएंगे। वही आज ही हमारा देश ऑटोमोबाइल हब बन रहा है और अगर हमने ये जो जितने वेंडर से उनके पार्ट्स जो लगते हैं गाड़ियों में उसकी कॉस्ट 40% कम कर दी तो आज जितने फॉरेन ब्रांड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो वर्ल्ड में इतना सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं होगा, बिल्कुल चाइना की तुलना में भी मैं कह रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से 2020 तक हमारे ऑटोमोबाइल क्लस्टर स्पोर्ट के बाजू में डेवलप होंगे तो उसमें बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल में फ़ायदा होगा, 22% ग्रोथ होगा। और भारत सरकार और राज्य सरकार को करीब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये 15 साल के ट्रक जो है, जो टू यानी एमिशन के यूरो 2 के नॉर्म्स पे चल रहे हैं, ये अब 1 अप्रैल 2020 से हमने मैंडेटरी किया है कि ये अब यूरो 6 के नॉर्म पर रहेंगे, तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो मुझे लगता है ये एक रिवोल्यूशनरी है और इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सरकार की परमिशन मिले। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट पार्लियामेंट के पास है रोड सेफ्टी का, उसको भी जल्दी परमिशन मिलेगी। हमने 1300 हमारे समुद्र में और ऐसे हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ टूरिज्म डेवलप हो सकता है, उसका भी हमने बीच में मुंबई में कॉन्फ्रेंस ली थी। लाइट हाउस के हमारे वहाँ जगह है और टूरिज्म में इसमें बहुत बड़ी बड़े प्रमाण पर प्रोत्साहन मिल सकता है। और आखिरी में जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग करीब 6-7 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल गैस इंपोर्ट करते हैं और इसमें इनोवेशन एंड रिसर्च बहुत आगे चला गया है। और मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप केवल इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को सोचते हैं, आप एग्रीकल्चर और वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से ये 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। मैंने खुद हमारे नागपुर शहर में, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमने हमारा पूरा सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और 18 करोड़ रुपए मिले। मैं पहले कहता था, लोग मुझे हंसते थे। अब उस पानी से हम मिथेन निकाल रहे हैं, मिथेन से CO2 अलग कर रहे हैं, CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है या आइस क्यूब बन सकते हैं, और जो मिथेन है उससे CO2 अलग करके bio CNG निकलता है और हम 50 बसेस उस पर चलाने वाले हैं। अब देश में इतनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इतना सीवेज वाटर है। अभी गंगा में मैंने इनिशिएटिव लेके हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, मथुरा में, मथुरा का 20 MLD गंदा पानी। धर्मेंद्र प्रधान और उमा भारती जी को पीछे लगकर वो प्रोजेक्ट अभी शुरू हो गया है। मैंने कहा ये 20 MLD पानी यमुना में छोड़ रहे हैं, इसको आप रिसाइकलिंग करो
और इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को यूज़ करो। तो वो प्रोजेक्ट शुरू किया, ऐसे गंगा पर 70 प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं। और ये वाटर रिसाइकलिंग करके कानपुर के टैनरीज को, रेलवे स्टेशन साफ करने को, अब NTPC ने निर्णय किया है कि कहीं भी पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी लगेगा तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिसाइकलिंग किया हुआ पानी ही आपको यूज़ करना होगा। एक हाथ दो पैसे कॉस्ट बढ़ेगी, पर इससे देश में इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। और इसमें मैं कहता हूँ कि कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली में गाजीपुर की कचरे की टेकड़ी है, बहुत दिनों से पीछे पड़ा था। पूरे टेकड़ी में भी हमने निर्णय किया है, उसका सब रिसर्च हो गया, लेबोरेटरी टेस्टिंग हो गया, उसको ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके वो पूरा कचरा वो टेकड़ी में साफ करने वाला हूँ। वो पूरी टेकड़ी में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे के अंदर दबा देने वाले हैं हम, ताकि कचरा नहीं रहेगा। तो सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इससे पावर तैयार हो सकती है, बायो CNG तैयार हो सकता है। दूसरी बात, हमारी फ्यूल में हमने अभी हमारे सेक्टर में निर्णय किया है, अब गंगा के ऊपर हम लोग, हमारी गवर्नमेंट के पेट्रोनेट कॉरपोरेशन उसके साथ हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अब शिप में, कैटरमेरन में, हेवरक्राफ्ट में हम लोग LNG एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। और LNG ये सस्ता भी है और पोल्यूशन के हिसाब से भी अच्छा है, ये फ्यूचर का फ्यूल है। और इसलिए हम लोग शिप में LNG का, मैंने अभी एक हिंदुस्तान के बड़े ऑटोमोबाइल उद्योगपति हैं उनको कहा, वो भी जर्मनी गए हैं, और मैंने उनको कहा कि आप ये जो मल्टी फ्यूल वाले इंजन क्या जॉइंट वेंचर करिए। वो गए हैं अभी कि जिसमें आप LNG पे भी चला सके या डीजल पे भी चला सकते हैं। और अभी हमको 500 बार्ज लेनी है। मैंने कहा ये LNG पे लो, इससे पोल्यूशन भी कम होगा। और इसलिए आने वाले समय में LNG, बायोडीजल, हमारे देश में ट्राइबल सेक्टर में रतनजोत, मोह, साल, करंज, नॉन एडिबल ऑयल सीड, उससे हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं। और जो मलेशिया से हमारा पाम ऑयल का जो वेस्ट रेसिड्यू आता है उससे भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा है, एकदम पोल्यूशन कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इथेनॉल, अभी नागपुर में आपने देखा होगा हमने 50 बसेस, एयर कंडीशन बसेस है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, धुआं ही नहीं निकलता, आवाज़ नहीं आता। और मैंने कहा हमारे, मैं वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने कहा हमारे यहाँ के सब लोग एयर कंडीशन गाड़ी में घूमा, आप गाड़ी में बैठ के देखो, वॉल्वो से भी अच्छी है, इतना कंफर्ट है। 55 बसेस अभी शुरू हुई, हम 450 बसेस बायो इथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल और इलेक्ट्रिक पर शुरू करना चाहते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक तो बहुत अच्छा है, लिथियम आयन बैटरी और जो रिसर्च हो रहा है हमारे लोग भी कर रहे हैं, आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए। ये इलेक्ट्रिक से तो बदल जाएगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक, हमारी कार, हमारी स्कूटर इलेक्ट्रिक पर आए। मैं भी एक धौलाकुआ से मानेसर 70 किलोमीटर हम एक सिस्टम बना रहे हैं, मैंने वर्ल्ड के 4 लोगों को बुलाया था जो टेक्नोलॉजी है, जो लंदन के एयरपोर्ट पर, और नीति आयोग में डॉक्टर सरस्वती जी कमेटी थी, मैंने सबको बोलो कि ट्रायल प्रोजेक्ट करें। अभी टेस्ला वाले मेरे पास आए थे जो अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, उन्होंने एक नया हाइपरलूप करके बनाया है, वो कैप्सूल है और उसकी स्पीड 1140 किलोमीटर पर आवर है। और वर्ल्ड बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और इलेक्ट्रिक के, बिजली के आधार पर अगर हमारा रैपिड ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट होगा तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पावर अब सरप्लस है। मैं कल ही पीयूष गोयल जी को कह रहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 25 साल जिन पावर प्रोजेक्ट को हुए हैं, जिनका PLR 40% है और जिनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन भी करते, इनको बंद करने का मैंडेटरी निर्णय करिए। एक फ़ायदा ये होगा कि पावर सस्ती होगी, और अभी भी कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ के 1.5 एसेट्स पड़े पावर सेक्टर में, वो उसका पुनर्जीवन भी हो जाएगा और पोल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी। हमने 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं कि हम कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल बनाएंगे। मुझे मालूम नहीं था, पर LNT ने चाइना में 10 गैसीफायर दिए हैं,
और एक समय हमारे देश में कोल शॉर्टेज था, अब कोल सरप्लस है। ये कोल इंडिया अब हाथ में कोल लेके घूम रहे, ऐसी हालत हो गई। एक समय ब्लैक मार्केट हो रहा था, और इसलिए कोल अवेलेबल है, इसलिए कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल, ये भी इथेनॉल और मिथेनॉल लगभग प्रॉपर्टी सेम है, ये भी सस्ता और अच्छा फ्यूल हो सकता है। बीच में मानकेश्वर स्टेडियम में डॉक्टर सारस्वत जो थे नीति आयोग के, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लेके कार्यक्रम किया था, मैं भी वहाँ इनॉग्रेशन के लिए था। तो ये कोल बेस्ड इकोनॉमी, ये एक नया फ्यूचर है हमारे देश के लिए। और इसलिए कोल से अभी हम लोग यूरिया इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जो यूरिया हम लोग ओमान में बनाते हैं उसकी तो $6 की कीमत है पर एमएम क्यू, पर हमारे देश में जो यूरिया बनाते हैं वो $15 तक नेचुरल गैस का भाव जाता है, और ये वो 40,000 रुपये टन तक जाता है। और अगर कोल से यूरिया बनाएंगे जो चाइना से हमारे इम्पोर्ट हो रहा है वो 10,000 रुपये टन होता है, और 45,000 करोड़ हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो हम ये अभी एक अमेरिकन कंपनी को हमारे विदर्भ में भद्रावती में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आप यहाँ कोल बेस्ड यूरिया का प्लान के लिए उनसे एमओयू किया है। ये फ्यूचर है और देश की ज़रूरत भी है। तो मुझे लगता है कि ये मिथेनॉल ये भी हमारे लिए अच्छा फ्यूल होगा, और इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को मैं इसका मंत्री होने के नाते मैंने उनको कह दिया कि चलना है तो मेरे साथ चलो, और नहीं चलना होगा तो तुमको घसीटते हुए ले जाऊँगा। जो फॉरेन ब्रांड वाले वो बड़े तैयार है यूरो 6 के लिए, और ये अपने इंडियन वाले जो है जिनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं वो बड़े ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव है, कब होगा कैसे होगा फिर फ्यूल मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारी रिफाइनरी में, ताकि यूरो 6 का फ्यूल वो तैयार करे, और 2020 के पहले वो देने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे नए सेक्टर है जो रिसर्च के कारण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पीछे हम लगे थे, अब वो सेकंड जनरेशन इथेनॉल बना रहे हैं, और ये इथेनॉल बन रहा राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बगास और म्यूनिसिपल वेस्ट, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू है। और धर्मेंद्र जी को मैंने अनुरोध किया कि आप नॉर्थ ईस्ट में पूरे बाम्बू से इथेनॉल बनाने के प्लान डालिए, बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा। मैं 4 दिन पहले मणिपुर में था, करीब 22,000 करोड़ के रोड मैंने वहाँ मंजूर किए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में विकास होने की बहुत आवश्यकता है। तो ये हमारे पास जो वेस्टलैंड है इसके ऊपर हमारे देश में 40,000 करोड़ का हम लोग लकड़ी इम्पोर्ट करते हैं, 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की जो गोल लकड़ी है वो वियतनाम से आती है। क्यों नहीं ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारे देश में वेस्टलैंड का उपयोग करके हम लोगों को अलाउ करें कि फॉरेस्ट लगा है, वो बाम्बू ग्रास है, ग्रास है, और ग्रास काटने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। पर पुराने समय ये फॉरेस्ट इन्वायरमेंट वालों ने ऐसे नियम बना के रखे कि हमारे जंगल में कोई पेड़ लगाता नहीं, कोई किसान भी नहीं लगाता। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फॉरेस्ट, सब जगह प्रॉब्लम्स हैं, पर अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, वहाँ नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आनी है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा करना है ताकि ट्राइबल्स और गरीब लोगों को रोजगार मिले, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। हमारे देश में मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 23% था 2 साल पहले, अभी 18% है, गुजरात 14% है, हमारा महाराष्ट्र बीच में माइनस था। और आप कितना भी करिए पर फीकी में आप एग्रीकल्चर, रूरल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये सेक्टर को आप थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए, ये फ्यूचर है। और देश की इकोनॉमी की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अगर करनी है तो विदाउट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसको कोई मतलब नहीं है। जब तक एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन नहीं रुकेगा, तब तक अर्बन सेक्टर के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे और रूरल सेक्टर के भी नहीं होंगे। और इसलिए एक नई सोच के साथ रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था और नई डेवलपमेंट हो। थोड़ा सा जब कठिन कठोर निर्णय होते हैं तो पेन होता है, पर उसके बाद में रिलीफ होता है। इंजेक्शन लेते हैं तो लेते समय तकलीफ होती है, पर बाद में उससे रिलीफ मिलता है। तो मुझे लगता है कि
रिलीफ मिलेगा। अब धीरे धीरे इकोनॉमी में नंबर दो नहीं चलेगा, जो नंबर दो करेगा वो गड्ढे में जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से ट्रांसपेरेंसी से, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच सरकार का है। रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था हम निर्माण करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए सही एप्रोप्रिएट विजन हमारे देश की आवश्यकता है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आ बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। और आने वाले इस समय से कुछ कठिनाइयों से दूर होकर भी हम एक मजबूत इकोनॉमी बनने के लिए जा रहे हैं, जहाँ तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी 8-10 दिन नहीं था आया, कल ही मैंने बहुत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, हमारे काम है, कोई पैसे की कमी नहीं है। मैंने बैंकर को बुला कर कहा मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि तुमसे कर्जा मांगने वाला कोई आता नहीं, मैं हमारे जैसे सिक्योर प्रोजेक्ट नहीं, फटाफट काम करो, पैसा दो, तुम्हारा फायदा होगा, नहीं तो डिपॉजिट लेकर रखोगे, बैच के कारण आप तकलीफ में आओगे। तो आज ऐसी स्थिति है कि बड़े प्रमाण पर काम हो रहे हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है। अभी मेरे पास 100 प्रोजेक्ट मुझे मोनिटाइज करने थे, उससे तो 1,25,00,000 करोड़ कभी भी मिल सकते हैं। 10,000 करोड़ मेरा टोल का इनकम है, AAA रेटिंग है, रोज़ फॉरेन इन्वेस्टर लाइन में लग के मुझे मिलते हैं कि मैं पैसे डालना चाहता हूँ, तुम डालोगे तो तुमको प्रायोरिटी है, नहीं डालोगे तो तुम्हारे बिना उनको ले लेंगे। तो आज पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अगर मेरे टोल को सिक्योरिटाइज करूँ तो 1,50,00,000 करोड़ मिल जाएंगे, और अभी हाइब्रिड एन्युटी में जाऊंगा तो 40% हम तो 60% वो डालते फिर उस पर टोल मिलेगा। तो मेरा टारगेट है 25,00,000 करोड़ 5 साल में जाने का है। आई डोंट नो कि ये मैं पूरा करूँ या नहीं करूँ। उसमें से करीब 15,00,000 करोड़ रोड सेक्टर में और 10,00,000 करोड़ सागरमाला शिपिंग और पोर्ट्स इनलैंड वाटरवेज में है। इकोनॉमिक वाइब्रिटी है। और आने वाले समय में मैं बहुत बार इस आग्रही मत का हूँ कि बी इंडियन बाय इंडियन। मैं अपने सेक्टर में भारतीय लोगों को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, भारतीय कंपनियों को देना चाहता हूँ, और हमारे लोग बड़े हो, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमिकल वायबल प्रोजेक्ट में, और वो बड़े होकर यहाँ से पैसा ले जाए, इसके बजाय हमारे यहाँ के लोग आकर हमारे सेक्टर में इन्वेस्ट करके अच्छा काम करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। आप ज़रूर इन सब सेक्टर में ज़रूर आइए, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Ladies and gentlemen, I think this was one of the most incredible presentations one could have heard. Please give another round of applause. I had the privilege of working with Sir a couple of times, and every time I have met him, I have come back deeply inspired, and it's an incredible amount of work that is going on under his charge. You can see the whole range of activities, sometimes much beyond his brief, whether it is trying to earn money out of garbage, or whether he's talking about alternative fuels and everything else. I think this is quite incredible. Thank you, sir. Thank you for your kind presence.